हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज के बारे में, जिस डिजीज का नाम है कैंसर। आखिर कैंसर डिजीज क्या होती है? बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया कि सर, हम बहुत सुनते हैं किसी को क्या हुआ, लीवर कैंसर हो गया, किसी को गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, किसी को माउथ का कैंसर हो गया, किसी को कान का कैंसर हो गया, यानी कई प्रकार के हम लोग कैंसर सुनते हैं। आखिर कैंसर होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं 60 शब्दों में कि हमारा शरीर होता है, हमारी पूरी बॉडी की संरचना किससे होती है? आर्गन से होती है। अबे हमारा हाथ क्या है? आर्गन हो गया। हमारा नाक क्या है? आर्गन हो गया। कान क्या हो गया? आर्गन हो गया। यानी कि कई प्रकार के आर्गन से मिलकर क्या होता है? शरीर की संरचना होती है। और आर्गन किससे बने होते हैं? आर्गन टिश्यू से बने होते हैं, जिसे हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ऊतक किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कोशिकाओं से क्या होता है? टिश्यू का निर्माण होता है। और टिश्यू से क्या होता है? आर्गन का निर्माण होता है। और आर्गन से क्या होता है? बॉडी का निर्माण होता है। हमारे शरीर में प्रत्येक दिन बहुत सी कोशिकाएं मरती हैं और उसके जगह पर नई कोशिकाएं क्या होती हैं? जनरेट होती हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कोशिकाओं का अनियंत्रित बढ़ जाना, यानी कि आवश्यकता से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होना कैंसर का रूप लेता है, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं कह दूं आपको कि एक छोटा सा रूम है जहां पर 10 लोगों की बैठने की जगह है। अगर वहां पर 10 लोगों की जगह हम 12, 13, 14 बैठा दें तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट हर जगह है। आज आप एक बस की सवारी करिए, बस में ट्रेवलिंग करिए, 2 लोगों की बैठने की सीट होती है तो कहते हैं ना, भैया थोड़ा प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। यानी कि एडजस्ट हर जगह होता है, तो वहाँ पर 10 की जगह 12, 13 बैठ सकते हैं। अब बट ऐसा भी नहीं है कि 10 लोगों की बैठने की जगह है, अब वहाँ पर हम 25-30 व्यक्तियों को बैठा दें, इम्पॉसिबल है। क्योंकि वहाँ पर अगर 25-30 लोगों को बैठा दिया जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और व्यक्ति क्या होंगे, लोग क्या होंगे, चक्कर खा खा के क्या होंगे, गिरने लगेंगे। उसी में क्या होगा, 10 लोग क्या होंगे, निपट जाएंगे। निपटने का मतलब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या होता है, कोशिकाएं जो होती हैं, जिन जो कि समान रूप से हमारे शरीर में बननी चाहिए, नॉर्मल बने, यानी थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब पता लगा कि थोड़ी सी कोशिका बनने की औसत ज़रूरत है हमारी उंगली में, अब वो कोशिका क्या हो, बहुत बड़ी बहुत संख्या में बनना शुरू कर दे तो वहाँ पर हमारी उंगली क्या होगी, यहाँ पर गांठ पड़ जाएगी, उंगली का साइज मोटा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कैंसर बन जाएगा। अब वो चाहे जैसे एग्जांपल लीवर हो, लीवर का एक समान आर्गन है, लीवर में समान टिश्यू होने चाहिए, समान सेल्स होने चाहिए। जब यही सेल्स क्या होते हैं, आवश्यकता से अधिक बनना शुरू कर देते हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, लीवर में एब्सेस हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है। तो ये सब वजहें होती है कि कैंसर का कारण बनती है। यानी कि लास्ट में निष्कर्ष में हम इतना कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि कैंसर क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित बढ़ जाना, आवश्यकता से अधिक बढ़ना कैंसर कहलाता है। ओके, समझ में आया? ओके, बाय।